बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त अब्दुल बासित और आप मेरा यूट्यूब चैनल काशिप सुजुकी सेंटर देख रहे हैं। तो जी, नए आने वाले दोस्त, सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी मजीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। तो जी दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, ये कुछ लोकल सामान मैंने मार्केट से मंगवाया था, तो मैंने कहा क्यों ना अपने दोस्तों के साथ इस सामान का रिव्यू थोड़ा सा कर लूँ। ये सुजुकी GS 150 और स्प्लेंडर बाइक का ये सामान है। तो जी दोस्तों, ये जो सबसे पहले मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सुजुकी GS 150 की लोकल कहने की सेल्फ स्टार्टर है। इसको सेल्फ की कुगी भी कहा जाता है और इसकी ये लोकल जो ये कुगी है तकरीबन मार्केट से आपको 600-700 रुपये की मिल जाती है। जेनवन इसकी तकरीबन 1000 रुपये की है, लेकिन ये इसकी जो सेल्फ स्टार्टर है ये भी बेहतरीन चलती है। तो जी दोस्ती चीज़ शेयर कर रहा हूँ, ये सुजुकी GS 150 का प्लग अडाप्टर है। इसका जो जेनवन प्लग अडाप्टर है ये तकरीबन 800 रुपये का है और ये लोकल प्लग अडाप्टर तकरीबन इसका 300 रुपये का मार्केट से मिल जाता है। ये प्लग अडाप्टर आपको कह लेंगे बिल्कुल इसकी जेनवन की ही तरह फिटिंग है, ये बेहतरीन चलता है। तो जी दोस्तों, ये जो आपके साथ मैं अगली चीज़ शेयर कर रहा हूँ, ये सुजुकी GS 150 GT 110 का लोकल ऑयल फिल्टर है। ये ऑयल फिल्टर आपको मार्केट से तकरीबन 100 रुपये का मिल जाएगा और ये आपकी बाइक में तकरीबन 2 ऑयल चलता है। और इसी तरह ये मेरे पास एक चाइना का भी ऑयल फिल्टर है, ये भी बड़ा बेहतरीन इसका ऑयल फिल्टर है। और ये देखें दोस्तों, इस ऑयल फिल्टर की इन्होंने बड़ी ही ज़बरदस्त पैकिंग की हुई है। ये ऑयल फिल्टर इसका मार्केट से आपको तकरीबन 150 रुपये की रेंज में मिल जाता है और ये वाला ऑयल फिल्टर आपका तकरीबन 3000 किलोमीटर चल जाता है। बड़ा ही ज़बरदस्त ये फिल्टर है। इसके बाद दोस्तों, ये जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सुजुकी स्प्लेंडर की किक है। ये इसकी सुजुकी स्प्लेंडर की ये लोकल किक है। ये किक आपको तकरीबन मार्केट से 300 रुपये की मिल जाएगी और इसकी एक ये वाइंडर की किक है, ये तकरीबन 700 रुपये की मिलती है। इसकी जो अपनी किक है जेनवन किक, वो 800 रुपये की है, लेकिन वो अब मार्केट में नहीं आती और ये किक भी तकरीबन बेहतर चल जाती है। तो जी दोस्तों, ये जो चीज़ आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ये सुजुकी GS 150 का बैक लाइट कवर है। ये इसका वाइंडर का कवर है और ये मार्केट से आपको तकरीबन 250 रुपये का मिल जाता है। इसके ओरिजिनल बैक लाइट के कवर की कीमत तकरीबन 320 रुपये है, लेकिन ये कवर भी मार्केट में आया हुआ है तो मैंने कहा क्यों ना अपने दोस्तों के साथ शेयर किया जाए। उसके बाद दोस्तों, ये जो आपके साथ मैं ये है शीशा आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सुजुकी GD 110 का ये शीशा है। सुजुकी GD 110 के हेडलाइट के शीशे की काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन है और ये शीशा आपका मार्केट में आ चुका हुआ है और ये शीशा मैं इधर फिटिंग करके 1000 रुपया लेता हूँ। वैसे अगर ये शीशा ही खाली किसी ने परचेज़ करना हो तो ये 800 रुपये का शीशा है और ये GD 110 बाइक में बहुत ज़्यादा मसला है कि गाड़ी के जो हेडलाइट के शीशे बहुत ज़्यादा टूटे होते हैं। तो जी दोस्तों, ये जो आपके साथ मैं एयर फिल्टर शेयर कर रहा हूँ, ये सुजुकी GS 150 का लोकल एयर फिल्टर है और इस एयर फिल्टर की कीमत तकरीबन 550-600 रुपये इस एयर फिल्टर की कीमत है। इसके जेनुइन फिल्टर की कीमत तकरीबन 1800 रुपया है और ये फिल्टर भी इसका अच्छा चल जाता है। इस सुजुकी का एयर फिल्टर है दोस्तों। आपके साथ जो मैं ये इशारे शेयर कर रहा हूँ, ये सुजुकी GS 150 के लोकल इशारे हैं और ये मार्केट से आपको ये इशारा तकरीबन 400 रुपये का मिल जाता है और इसके जो इसके जेनुइन इशारे की कीमत है वो तकरीबन 500 रुपये का इशारा है और ये इशारा भी बड़ा बेहतरीन चलता है। ये जो आप दोस्तों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ये सुजुकी GD 110 की मीटर गाड़ी है। इसकी ये इसकी जेनुइन गाड़ी की कीमत इसकी तकरीबन 1200 रुपये है। ये इसकी कहेंगे वाइंडर की गाड़ी है, इसकी कीमत 800 रुपया है। तो इसी तरह दोस्तों, ये जो आपके साथ मैं गाड़ी शेयर कर रहा हूँ, ये सुजुकी 150 की ये गाड़ी है, GS 150 की ये मीटर गाड़ी है और ये भी मार्केट से आपको तकरीबन 600 रुपये की मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों, ये जो आपके साथ मैं इशारा शेयर कर रहा हूँ, ये GD 110 का ये लोकल इशारा है और सुजुकी GD 110 का जो जेनवन इशारा है उसकी कीमत तकरीबन 1400 रुपया है और ये जो लोकल इशारा है ये मार्केट से आपको तकरीबन 450-450 रुपये का मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों, ये जो इशारा मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सुजुकी स्प्लेंडर इको का ये इशारा है। इस इशारे की जो ये लोकल इशारा है जेनवन इशारा, ये तकरीबन 450 का है और लोकल इशारा ये तकरीबन 200 रुपये का है और बड़ा ही बेहतरीन चलता है। तो जी दोस्तों, ये जो चीज़ आप दोस्तों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ये सुजुकी GR का ये ब्लंसर है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये सुजुकी
जी आर 150 में ये बलेंसर लगता है। इसके जनरल बलेंसर की कीमत तकरीबन 1500 रुपया है, लेकिन ये वाइंडर का बलेंसर आपको मार्केट से तकरीबन 450 रुपये का मिल जाता है। सुजुकी जी आर का सामान बाकी बाइकों की नस्बत काफ़ी ज़्यादा महंगा है। और ये आपके साथ मैं सुजुकी जी एस 150 के बलेंसर का शेयर कर रहा हूँ। ये बलेंसर इसका तकरीबन आपको मार्केट से, और ये जी एस 150 का ये लोकल बलेंसर है और ये मार्केट से आपको तकरीबन 350 रुपये का मिल जाता है। तो जी दोस्तों, ये जो चीज़ आप दोस्तों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ये सुजुकी जी एस 150 के सल्फ़ के कार्बन हैं, और ये कार्बन आपको जो है मार्केट से तकरीबन 500 से 600 की रेंज में मिल जाते हैं। और ये कार्बन भी कह लेंगे सुजुकी जी एस 150 का सल्फ जो है वो रिपेयर हो जाता है, और ये कार्बन आप इस्तेमाल करें बड़े बेहतरीन चलते हैं। और जी दोस्तों, ये जो चीज़ आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ये सुजुकी जी डी 110 के ड्रम रबड़ हैं। सुजुकी जी डी 110 के जो अपने ड्रम रबड़ हैं वो आपको कंपनी से तकरीबन 1200 रुपये के मिलेंगे, और ये मार्केट से आपको लोकल ड्रम रबड़ तकरीबन 300 रुपये के मिल जाते हैं, और ये बड़े बेहतरीन चलते हैं। जी दोस्तों, आज मैं आपको जो सामान दिखा दोस्तों आज जो मैं आपको सामान का रिव्यू करवा रहा हूँ, ये इसमें ज़्यादातर लोकल सामान है। जनरल सामान का आपको मैं रिव्यू नहीं करवा रहा हूँ। जैसे ही मेरा कराची से जनरल सामान आता है तो मैं आपको उसका भी रिव्यू करवाऊँगा। तो जी दोस्तों, ये जो आप दोस्तों के साथ मैं ये रबड़ शेयर कर रहा हूँ, ये आप देखेंगे इस रबड़ के इधर ये एक ये पेज के उन्होंने साइज दिया हुआ है। जी दोस्तों, ये रबड़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सुजुकी जी एस 150 के स्टैंड का रबड़ है। तो ये 150 रुपये का आपको ये रबड़ मिल जाता है। वैसे जो इसका जनरल रबड़ आता है वो उसको ये पेज नहीं लगाता, तो ये हमने एक स्पेशल इसके ये रबड़ बनवाए हुए हैं, तो ये रबड़ एक बार लग गए तो ये दोबारा गिरता नहीं। तो जी दोस्तों, अब जो चीज़ आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ये सुजुकी जी डी 110 का और सुजुकी जी एस 150 का ये टूल किट का ये कवर है। अक्सर उकात ये कवर जो है गिरा होता है, और इस कवर की कीमत 150 रुपया है। जी दोस्तों, ये जो कवर मेरे पास है ये 150 रुपये का आपको मिल जाएगा, और ये अक्सर उकात लोगों के जो कवर गिरे ही है। तो जी दोस्तों, ये जो आप दोस्तों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ये सुजुकी जी एस 150 के ये पिछले फूटर्स हैं, और इन फूटर्स की जो कीमत है ये मार्केट से आपको तकरीबन 500 रुपये के दो फूटर्स मिल जाते हैं, और ये इसका जेन्युइन एक फूटर्स मेरा ख्याल 350 रुपये का है, और ये बेहतरीन इसमें चलते हैं। दोस्तों के साथ मैं ये टाइमिंग चेन शेयर कर रहा हूँ, ये सुजुकी जी डी 110 की टाइमिंग चेन है, और ये लोकल टाइमिंग चेन आपको तकरीबन मार्केट से 600 रुपये की मिल जाती है। तो जी दोस्तों, ये जो हैं मेरे पास सुजुकी जी एस 150 की क्लच प्लेट्स का सेट है। ये एफ सी सी की क्लच प्लेट है, ये जापानी क्लच प्लेट है। ये आपको तकरीबन मार्केट से 2600 से 2700 की रेंज में मिल जाती है। हर जगह के कपड़ा प्राइस होता है, और मेरे पास ये प्लेटें आपको तकरीबन 2500 रुपये की मिल जाएंगी, और ये प्लेटें बड़ी बेहतरीन चलती है। और इसी तरह ये इसकी एक ताइवान की प्लेटें हैं, और ये प्लेटें आपको मार्केट से तकरीबन 1500 रुपये की मिल जाएंगी। और ये एक इसमें नॉर्मल प्लेटें हैं, और ये प्लेटें आपको मार्केट से तकरीबन 500-600 की रेंज में मिल जाएंगी, और ये प्लेटें बड़ी बेहतरीन चलती हैं। तो जी दोस्तों, ये जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सुजुकी जी एस 150 की ये इसकी मैग्नेट कॉइल्स हैं। तो ये अक्सर औकात गाड़ियों की ये ख़राब रहती हैं, तो मार्केट से ये कॉइल आपको जो लोग जेन्युइन इसकी जो कॉइलें हैं तकरीबन 7.5 से 8 हज़ार रुपये की हैं, और ये आपको एलएन कंपनी की ये कॉइल और इसमें पंसल इसका मिल जाएगा। की कीमत जो है तकरीबन आपको ये 2500 रुपये का मिल जाएगा, 2500 से 3000 रुपये की रेंज में ये पंसर कॉइल और इसका ये मैग्नेट कॉइल गुच्छा मिल जाता है। और बाद मार्केट में शार्ट रहता है, और इसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है लोगों की बाइकों में। ये जो अगली चीज़ मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सुजुकी जी एस 150 का इग्निशन स्विच है, और इसका ये साइड लॉक है, और टैंकी का 3-पीस लॉक सेट है। तो ये जो है मार्केट में आपको तकरीबन 1200 से 1500 की रेंज में मिल जाता है, और इस स्विच सेट की भी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त है। फ्यूचर कंपनी का ये स्विच सेट है, और बड़ा बेहतरीन चलता है। तो जी दोस्तों, ये जो आपके साथ मैं अगली चीज़ शेयर कर रहा हूँ, अक्सर औकात जो है सुजुकी जी एस 150 के सल्फ की प्रॉब्लम रहती है, इसके मैग्नेट की प्लेट की प्रॉब्लम रहती है। और ये प्लेट आपको ये देख सकते हैं दोस्तों, ये मार्केट में अब आ चुकी हुई है, और इस प्लेट की जो कीमत है 1000 रुपये इस प्लेट की कीमत है। और ये प्लेट कहने के अक्सर औकात सुजुकी जी एस 150 के सलब की वजह से ख़राब रहती है, तो ये भी आपको मार्केट से मिल जाएगी। 1000 रुपये की इस प्लेट की कीमत है, और ये भी जैन मन नहीं कितने की है, लेकिन ये प्लेट भी बेहतर चलती है।
उसके बाद दोस्तों ये जो आप लोगों के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी इसके मैग्नेट प्लेट के बीच में ही ये स्प्रिंग और ये रूले वगैरह लगते हैं। ये आपको 300 रुपये का सेट मिल जाता है। अक्सर उकात इसके मैग्नेट के जो पेज ये टूटे रहते हैं टूट जाते हैं, तो ये पेज आपके 300 रुपये का सेट मिल। और जी दोस्तों ये जो है इसके चैन का, ये कह लेंगे चैन चिड़ी है इसकी, कि चैन को इससे अक्सर उकात हमें टाइट करना पड़ता है। और ये मार्केट से आपको तकरीबन 150 से 200 रुपये की रेंज में मिल जाती है। इसी तरह ये इसकी बड़ी गाड़ी के पेज हैं सुजुकी GS 150 के, अक्सर उकात ये पेज भी इसके ख़राब रहते हैं। ये पेज इसके पिछली गाड़ी को लगते हैं। और ये भी आपको तकरीबन 250 रुपये का सेट मिल जाता है मार्केट से। तो इसी तरह दोस्तों ये जो आप दोस्तों के साथ अगली चीज़ शेयर कर रहा हूँ, ये सुजुकी GS 150 का क्लच होजिंग है, इसके जेन्युइन होजिंग की कीमत हो तकरीबन 2800 से 3000 रुपया है। लेकिन ये लोकल क्लच होजिंग है, ये आपको मार्केट से तकरीबन 800 से 1000 रुपये की रेंज में मिल जाता है। तो जी दोस्तों ये जो चीज़ आप दोस्तों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ये सुजुकी GS 150 के डिस्क पैड हैं और बड़े ही बेहतरीन ये पैड चलते हैं। मार्केट से ये पैड आपको 500 से 600 की रेंज में मिल जाएंगे। और इसमें अलग-अलग काफ़ी पैड आते हैं, लेकिन ये पैड इसमें बड़े बेहतरीन चलते हैं। तो जी दोस्तों ये जो मेरे पास ये क्लच लीवर है, ब्रेक लीवर हैं, ये सुजुकी GS 150 के पुराने मॉडल के क्लच लीवर हैं। ये बाइंडर के लीवर हैं और ये 150-150 रुपये का एक लीवर मिल जाता है। और इसकी क्वालिटी जो है वो काफ़ी बेहतर होती है। इनके पुराने मॉडल स्प्लेंडर को भी लग जाते हैं और बड़े बेहतरीन ये चलते हैं। और इसी तरह दोस्तों ये क्लच केबल, ये बाइंडर की केबलें हैं इनकी सुजुकी GS 150 की। इसमें क्लच की केबल है, ब्रेक की केबल है, अलग-अलग केबलें हैं। और इन केबलों की कीमत भी तकरीबन 150 से 200 रुपये की रेंज में होती है। अलग-अलग प्राइस हैं इन केबलों के। और ये आप जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये सुजुकी स्प्लेंडर के एयर फिल्टर हैं और ये इस एयर फिल्टर की कीमत तकरीबन 150 रुपया है। इसके बाद दोस्तों आप दोस्तों के साथ हम सुजुकी GS 150 की पिछली दुमची शेयर कर रहे हैं और सुजुकी स्प्लेंडर की पिछली दुमची का दिखा रहे हैं। ये दुमची भी काफ़ी बेहतर चलती है। तो जी दोस्तों अब जो मैं चीज़ें आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये GD 110 का चैन कवर है, ये इसका वाइंडर का चैन कवर है। अगर आप जेन्युइन शोरूम से चैन कवर लेते हैं तो उस चैन कवर की कीमत तकरीबन 3500 रुपया है। ये वाइंडर का चैन कवर आपको तकरीबन 1800 रुपये का मिल जाएगा, 1500 से 1800 की रेंज में ये चैन कवर होता है। और ये सुजुकी GS 150 का चैन कवर है, ये भी आपको तकरीबन 1500 रुपये का मिल जाता है। ये वाइंडर के चैन कवर हैं और बड़े बेहतरीन चलते हैं। जी दोस्तों आज जैसा कि आपको मैंने बताया है कि सुजुकी GS 150 का लोकल सामान भी मार्केट में अब अवेल है, तो अगर आपको भी कोई चीज़ चाहिए हो तो आप मेरे इस फ़ोन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को भी दबाइएगा ताकि मेरी मजीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मान लिया।